2003 में मध्य प्रदेश फॉर्म होने के बाद से आज तक, इसीलिए मैं शुरुआत में ही बोल रही हूँ, इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, सोशल वेलफेयर हो, ज्यादातर मापदंड ये तीन विषय होते हैं कि राज्य का प्रोग्रेस कैसे होगी, जनता को, गरीब को, महिला को, दलितों को छोड़ करके अगर रास्ते आगे बढ़ रही है उससे फायदा नहीं है, जनता को भी इंक्लूसिव ग्रोथ में जोड़ना चाहिए। और इसीलिए मैं मध्य प्रदेश का उदाहरण बेमिसाल बोल रही हूँ और बीमारों से बाहर आए हुए एक राज्य बोल रही हूँ। इसका श्रेय बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के गवर्नेंस के कारण हुआ और उस गवर्नेंस का 5 सूत्र है जो आई एम कॉलिंग एस 5G, 2G, 4G, 5G, ऐसे सोच लीजिए 5G। कौन सा है वो 5G का मंत्र? ग्रोथ, जिसमें मध्य प्रदेश का उदाहरण स्पष्ट दिखता है। नंबर्स में देती हूं। सेकंड, गुड ग्रोथ गवर्नेंस, जी दोबारा। तीसरा, गुडविल, जनता के शुभेच्छा इस पार्टी और लीडरशिप के ऊपर। ये पूरे देश में है मगर बीमारों से बाहर आकर बेमिसाल होने वाले मध्य प्रदेश में बिल्कुल ये 5 मंत्र आप देख सकते हैं। ग्रोथ, गुड गवर्नेंस, शुभेच्छा, गुडविल, फोर्थ गारंटी मोदी जी का, फोर्थ जी गारंटी मोदी जी का, और फिफ्थ गरीब कल्याण। ये 5 सूत्र है जी का, 5G का, जिसके कारण आज मध्य प्रदेश बेमिसाल मध्य प्रदेश हो गए। देश की वित्त मंत्री भी आज भोपाल शहर में थी और कुछ बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही और फिर से जैसे कि अलग अलग उनको शौक है मोदी सरकार को, तो 5G की बात की और कहा कि गुड गवर्नेंस, मोदी जी की गारंटी, गुडविल, गरीब कल्याण, ये तमाम बातों को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा। लेकिन आज का ही अगर आप अखबार उठा के देखें सुबह का, तो 5G में से सारे 5G को फेल आज हमने देखा जब एक बड़ी खबर नजर आई कि मोदी सरकार, जिसको कि गुड गवर्नेंस वो बोल रही थी, वो खाद लोगों को, किसानों तक पहुंचाने में विफल हो रही है। ये कैसा गुड गवर्नेंस है कि रबी के मौसम में जब किसान को खाद की सबसे ज्यादा जरूरत है, किसान को खाद उपलब्ध नहीं है। और क्यों उपलब्ध नहीं है? ये जो मोदी जी की गारंटी थी वो मोदी जी की फोटो उसके आड़े आ गई और वो फोटो जो है उनकी गारंटी को विफल कर रही है और आज किसान को खाद नहीं मिल रही है क्योंकि खाद के बैग के ऊपर मोदी जी की फोटो है और इलेक्शन के दौरान ये काम इलेक्शन कमीशन अलाउ नहीं करता है। तो मोदी सरकार के पूरे और भारतीय जनता पार्टी की, मध्य प्रदेश की सरकार, हालांकि आज उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी की गारंटी की बात नहीं की, आज उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी की गुडविल की बात नहीं की, आज उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी की ग्रोथ की बात नहीं की, आज उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की गुड गवर्नेंस की बात नहीं की। भारतीय जनता पार्टी खुद ब खुद मध्य प्रदेश सरकार को किनारे रखकर आज ये हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि मध्य प्रदेश में आकर अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बात कर सकें और अपनी सरकार की उपलब्धियों को सामने रख सकें। आज पहला सवाल इस पत्रकार वार्ता से हमारा आपके माध्यम से प्रदेश की जनता से है कि ये कैसी सरकार आपने चुनी है जो बात करती है किसानों के भले की, लेकिन ऐन मौके पर केवल अपने प्रचार के लिए, मोदी जी के अपने प्रचार के लिए लाखों लाख किसानों के ऊपर संकट पैदा कर दिया है। और हम सब जानते हैं अगर वक्त पे खाद उपलब्ध नहीं होती है तो उसका खामियाजा किसान के परिवार को पूरे साल भुगतना पड़ता है, देश को भुगतना पड़ता है क्योंकि अन्न की पैदावार कम होती है और एक पूरी सामाजिक जो परिवार की शांति है किसानों की वो भंग होती है। तो आज ये बहुत गंभीर विषय है जिसको कि हम आज उठाना चाह रहे हैं कि
मोदी सरकार, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की बात वो भी नहीं करते हैं और शायद किसी मजबूरी में अभी साथ रख रहे हैं, ये तो पूरा प्रदेश जानता है और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये बात आज बार बार पूछ रहे हैं कि चौहान साहब के साथ जो किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा वो सर्वविदित है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चाहे प्रदेश की सरकार है चाहे राष्ट्र की सरकार है, वो किसानों के मामले में क्यों इतनी दुश्मन बनी हुई है एक के बाद एक। हम पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं, सबसे पहले काले कानून लाए, कोशिश की सारी की सारी जो किसान की पूरी व्यवस्था है वो कॉर्पोरेट के हाथ में कर दे, कोशिश की कि किसानों को कुचल दें, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में बाकायदा कुचल भी दिया। ये सिर्फ शाब्दिक मुहावरे के तौर पे नहीं हुआ, असल में कुचल दिया गया किसानों को, लेकिन उसके बावजूद किसान इस देश के लड़े और मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ा। आज भी जो वायदे मोदी जी ने किए थे उस समय भी पंजाब के चुनाव आ रहे थे और चुनाव जीतने के लिए वायदे कर दिए कि हम ये काले कानून वापस ले रहे हैं कुछ दिनों के अंदर, नई व्यवस्था ले आएंगे 100 दिनों के अंदर, आज 1.5 साल तो हो गया, भूल गए उसके बाद। तो ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के मुद्दे पर इतना किसानों के खिलाफ क्यों रहती है कि अगर यहाँ पे 2008 में जब वो आए थे मुझे याद है तब उन्होंने कर्जा माफी की बात की थी और बाद में बोल दिया कि हम तो अपने दम पे जीते हैं, कर्जे की क्या बात है, माफी किस बात की। तो अगर अलग अलग हम भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे देखते हैं तो हर बार वो किसानों के मुद्दे के खिलाफ रहती है, और इतनी बड़ी बात कि अपने प्रचार के लिए मध्य प्रदेश के किसानों को खाद उपलब्ध ना होना ये बहुत गंभीर विषय है और कांग्रेस पार्टी इसको उठाती है। और आज ये बात कहना चाहती है कि किसानों की को खाद उपलब्ध हो इसके लिए तुरंत जो भी इमरजेंसी प्लान बनाना चाहिए वो बनाना चाहिए। निर्मला सीतारमन जी की जो बात है गुड गवर्नेंस की बात करती हैं, गारंटी की बात करती हैं, बाकी चीजों में हम नहीं मानते हैं कि वो कर पाएंगे, लेकिन कम से कम किसान को खाद तो उपलब्ध करा दें ये पहली